बीती शाम 51 वर्षीय रमेश कुमार की चांग गांव के निकट तेज वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस के जांच अधिकारी ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी है और शव का जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। रविवार शाम गांव चांग के समीप एक सड़क हादसा घटित हुआ। इस हादसे में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से 51 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 51 वर्षीय मृतक रमेश अपने भाई के साथ सामान लेने के लिए निकला था और चांग बस स्टैंड पर एक तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतक सहरीवाड़ी में परचून की दुकान चलाता था और उसी का सामान खरीदने के लिए वह घर से निकला था। बहरहाल मृतक के भाई के बयानों के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ये मृतक है जो रमेश कुमार, इसने गांव से परचून की दुकान कर रखी है। कल ये घर आने के बाद इसका भाई विनोद और रमेश ये सामान लेने के लिए गए हुए थे, तो आगे एक गाड़ी वाले ने इसको टक्कर मार दी, जिसकी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। चांग गांव का रहने वाला। अब किसके बयान पर क्या कार्रवाई की गई है? इसके भाई विनोद के बयानों पर पर्चा दर्ज कर दिया है। सामान लेने गए थे दुकान का, तो एक गाड़ी वाला लापरवाही चलाता हुआ वो टक्कर मार के भाग गया। हम सामान लेने गए थे, उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे हम 8 बजे करीबन लेके आए इसको वहाँ पे एम्बुलेंस। गाड़ी दिखी नहीं, अंधेरा था तो तेजी से आ रहा था, वो चला गया।